इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारे से, और इसकी वजह आज रहे बीजेपी नेता मुकुल रॉय, जिनकी आज टीएमसी में घर वापसी लगभग तय है। इस वक्त तृणमूल भवन के में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुकुल रॉय के बीच बातचीत हो रही है। अब से कुछ देर में ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, और मुमकिन है कि इसी कॉन्फ्रेंस में ममता आज मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी का ऐलान करेंगी। आपको बता दें कि मुकुल रॉय ने सितंबर 2017 में टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। नवंबर 2017 में वो बीजेपी का दामन थाम बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो आज बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी और मुकुल रॉय की बातचीत इस वक्त जारी है, और अब से कुछ देर बाद यानी कि लगभग एक घंटे बाद ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही टीएमसी में घर वापसी मुकुल रॉय की सुनिश्चित की जा सकती है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक तो बंगाल के सियासी गलियारे में आज सुबह से जो हलचल मची हुई है, इस पर शुरू से नजर डलवाना चाहेंगे आपसे, एक बार जस्ट इसका समराइज कर बताएं अब तक की तमाम हलचलों को। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष से वही सवाल जानेंगे। मनीष, आपने भी बंगाल को काफी करीब से देखा, ऐसे में आज दिन भर जो सियासी गलियारे में हलचल रही, इस पर नजर डालें तो क्या क्या हाइलाइट्स रहे? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मुकुल राय अब घर वापसी कर सकते हैं। जैसा कि तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं कि मुकुल राय पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ अब मंत्रणा का दौर जारी है। हालांकि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुकुल राय और उनके बेटे दोनों ही मौजूद हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात हो रही है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी से मुलाकात हो गई थी, और अभिषेक बनर्जी भी वहाँ उस वक्त मौजूद होंगे जिस वक्त मुकुल राय तृणमूल भवन के अंदर पार्टी का दामन थाम रहे होंगे। और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या मुकुल रॉय ने जिन लोगों को टीएमसी से तोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कराया था, क्या उनको भी वापस लाने की जिम्मेदारी मुकुल रॉय के ऊपर सौंपी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि कई और ऐसे नेता भी हैं बीजेपी के जो लंबे समय से वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, वो भी विरोध का सुर उठा रहे हैं। जैसे कि अनुपम हाजरा ने कुछ देर पहले एक बयान दिया है कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी की मीटिंगों में बुलाया नहीं जाते हैं। पूर्व लोकसभा सदस्य हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी में, और वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं, और अब सबसे बड़ी नजर मुकुल रॉय के ऊपर टिकेगी। क्या ममता बनर्जी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी ये सौंप सकती है कि पुराने चेहरों को वापस लाया जाए और उसकी जिम्मेदारी मुकुल रॉय को दी जाए? ये सवाल एक सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठकर आ रहा है। बिल्कुल, और जरूर कोई ना कोई एक बड़ा फायदा इसके पीछे जरूर है। मुकुल रॉय आएंगे तो अपने पीछे अपनी एक बड़ी टीम भी ला सकते हैं जो टीएमसी को नजर आ रहा होगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि मनीष, मुकुल के साथ जो मीटिंग हो रही है मुकुल रॉय के साथ, वो अनऑफिशियली भी की जा सकती थी, लेकिन टीएमसी दफ्तर में होने का मतलब कि ऐलान आज ही हो जाएगा कि घर वापसी हो रही है। देखिए, ये अनऑफिशियली हो सकती थी, लेकिन इसके संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे। टीएमसी के बड़े बड़े नेता ये दावे कर रहे थे कि बीजेपी के बड़े नेता हमारे टच में हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। दो भागों में इनको बांट दिया गया था। सौगत राय ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर हमने तय करके रखा है, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ खुल के बगावत नहीं की है, खुल के बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, उनको सॉफ्ट लाइनर के तौर पर हमने रखा है और हम उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सहजता से। और उसमें मुकुल राय नंबर वन निकले हैं। मुकुल राय सबसे पहले पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मुकुल राय की अगर हम बात करें तो वो जो है नदिया के कृष्णा नगर उत्तर से ही जीत कर आते हैं। उनके बेटे हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन अब सबसे बड़े दारोमदार मुकुल राय के ऊपर ये भी माना जा सकता है कि पार्टी में कभी वो नंबर टू थे टीएमसी में, लेकिन इस बार क्या उनको नई जिम्मेदारी ये दी जाएगी कि दोबारा से आप जो है उन लोगों को वापस जोड़िए पार्टी में जो भाजपा में चले गए हैं? तो इस तरीके की बातें अभी आ रही हैं। अभी फिलहाल मीटिंग जारी है, मुकुल रॉय और मुकुल रॉय के बेटे मौजूद हैं वहां पर। थोड़ी देर पहले टीएमसी भवन में मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ पहुंचे हैं। ममता बनर्जी भी कालीघाट से निकली हैं, वो भी वहां पे पहुंच रही हैं। तो अब ये मीटिंग शुरू हो रही है, और 4:30 बजे औपचारिक ऐलान हो जाएगा, जिसमें मुकुल रॉय ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे, अभिषेक बनर्जी वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी हम मान सकते हैं कि टीएमसी की तरफ से जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो खुल के कहेंगी कि देख लीजिए, जो जिन लोगों को आपने
हमसे छीना था, यानी वो नेता जिन पर हमने विश्वास जताया था, जिनको आप तोड़कर लेके गए, आखिरकार वो दोबारा से हमारी पार्टी में वापस आ रहे हैं और सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, हर बार बीजेपी के सवालों का या जो दाव होते हैं उसका ममता बनर्जी ने अपने दाव से जवाब दिया है और ये भी खेला का एक और दाव जरूर हो सकता है। देवेंद्र और पवन नारा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक सुबह से जिस टर्म का जिक्र हो रहा है मुकुल रॉय के लिए कि वो सॉफ्ट लाइनर थे और मौका परस्त होने के आरोप लगने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने सेल्फ सेंटर्ड राजनीति की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां उन्होंने अपना फायदा देखा उस रास्ते का रुख किया, और क्या कहीं ना कहीं हमेशा से ये विकल्प उनके दिमाग में उनके जहन में था, इसीलिए आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लें, कहीं ममता के खिलाफ कुछ ना बोलना, कहीं कड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करना, और आज आखिरकार चुनाव के बाद वापस वो दिन आ गया जब वो फिर टीएमसी का रुख कर रहे हैं। देवेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। देवेंद्र, एक आरोप अब मुकुल रॉय पे लगने लगा है सॉफ्ट लाइनर होने का, लेकिन साथ ही आरोप ये लग रहा है कि वो मौका परस्त है, मतलब कि राजनीति की, काफी सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन यही सॉफ्ट लाइनर होना उनके लिए फायदेमंद इसलिए हो रहा है कि कोई कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, तो ममता वापस उन्हें टीएमसी में बुला रही है, टीएमसी अपना फायदा इसके पीछे देख रही होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा से मुकुल रॉय ने अपने रास्ते खुले रखे, 2-3 साल का वक्त हो गया बीजेपी के साथ, लेकिन कभी ममता के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा भी है राजनीति के अलावा। जैसे मुकुल रॉय से अगर आप ऐसे भी अनौपचारिक तौर पर भी बातचीत करें तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिशियन नहीं है, और टीएमसी में जब वो काम करते थे तो उनकी उनकी कार्यशैली ही ऐसी थी कि पर्दे के पीछे रखे सब कुछ मैनेज करने का जो गुण होता है, ये मैनेजेरियल गुण उनमें ज्यादा था, ना कि कोई बहुत बड़े कुशल वक्ता हो, बहुत एग्रेसिव हो, ये तो था नहीं। दूसरी चीज की इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी को लेके उनका सॉफ्ट कर्नर बीजेपी में आने के बावजूद लगातार बरकरार रहा, और सिर्फ मुकुल रॉय ही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिलेंगे और जो कि टीएमसी से जिनका मोह भंग हुआ, लेकिन वो व्यक्तिगत बातचीत में वो अपना अपनी नाराजगी जताते थे या तो अभिषेक बनर्जी को लेकर या फिर प्रशांत किशोर को लेकर, ना कि ममता बनर्जी को लेकर। तो ममता बनर्जी की ये खासियत तो आप कह सकती हैं कि वैसे नेता जो कि उनसे दूर जाते हैं उनके अंदर भी उनकी ये छाप जरूर रहती है कि वो उनको लेकर नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को भ्रमित किया जा रहा है, अभिषेक डोमिनेट हो गया है, पीके अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें कही जाती थी। मुकुल रॉय के संदर्भ में जाहिर तौर पर बीजेपी में आने के बावजूद कभी भी ममता बनर्जी पर तीखे तेवर नहीं अपनाना, ये एक बड़ी वजह थी जिसके चलते ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दरमियान सार्वजनिक तौर पर मन से ये कहा कि मुकुल उतना खराब नहीं है जितना शुभेंदु अधिकारी। तो ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उस समय मुकुल रॉय बीजेपी में थे, तब भी अगर ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं तो उनके अंदर भी किस प्रकार का सॉफ्ट कॉर्नर था, और जब दोनों तरफ अगर इस प्रकार का सॉफ्ट कॉर्नर हो, जरूरत हो, तो फिर ये मिलन इतना मुश्किल तो होता नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा देवेंद्र आपने। पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देवेंद्र भी जो बात बता रहे थे, काफी इत्तेफाक इससे रखना पड़ेगा आज के हालातों को देखते हुए, लेकिन क्या बीजेपी इस लॉस के लिए तैयार थी? बीजेपी जान रही थी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से बना हुआ है। जी बिल्कुल, सॉफ्ट कॉर्नर से ज्यादा जब विधायक दल का नेता चुना गया और शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया तो कहीं ना कहीं मुकुल रॉय अपने आप को वरिष्ठ नेता मानते थे, वो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें लग रहा था कि उनके सामने बहुत सारी संभावनाएं होनी चाहिए, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खुद शुभेंदु अधिकारी को आगे किया गया तो उससे वो नाराज बताए गए। दूसरी बात ये कि जब माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगा रहे थे, उस दौरान एक भी ट्वीट ऐसा नहीं है मुकुल रॉय ने जो चुनाव के बाद की हिंसा को दिखाते हुए किया हो, यानी उन्होंने अपनी एक मर्यादा बनाए रखी। दूसरी बात ये कि वो कभी भी अभिषेक बनर्जी के समक्ष नहीं थे, या कहें कि सीधा अभिषेक बनर्जी से कोई मुकाबला नहीं था, भले ही वो कभी ममता बनर्जी के नंबर 2 रहे हो, जबकि शुभेंदु अधिकारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जब रिप्लेस किया गया तो अभिषेक बनर्जी को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो वहां सीधे वर्चस्व की लड़ाई थी या तो अभिषेक बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे उनकी मैनेजेरियल स्किल्स अच्छी है, बड़े वक्त नहीं है, लेकिन हाँ वो पार्टी में फिट हो सकते हैं बिना अभिषेक बनर्जी को परेशान किए और ममता के साथ जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है वो सब पवन फिट हो सकते हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि फिट कहाँ होंगे, जहां से गए थे वहीं या फिर अब कोई और जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएंगी, क्या वो पुराना विश्वास बरकरार रह पाएगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन हाँ
कूलिंग ऑफ पीरियड भी राजनीति का ही शब्द है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से चल के आया है, तो जरूर उन्हें इंतजार करना होगा और हमें भी देखना होगा कि वापसी जरूर हो रही है मुकुल रॉय की टीएमसी में, लेकिन असल में मुकुल रॉय किस भूमिका में रहते हैं, उतने ताकतवर होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। और ममता बनर्जी भी जरूर इस बात का आकलन कर रही होंगे अगर वो आएंगे तो किस भूमिका में आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि जब आप इस तरह से घर वापसी करते हैं, एक पार्टी जिसको छोड़कर गए फिर वापस आते हैं, खासकर तब जब जिस पार्टी में आप गए उसमें ज्यादा बड़ा बदलाव आप नहीं कर पाए, तो उतनी मजबूत स्थिति में तो नहीं होंगे मुकुल रॉय। देखना होगा किस तरह की पावर इक्वेशन वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ शेयर करते हैं। ये इक्वेशंस पे तो चर्चा करना आज बहुत बड़ा बहुत दिलचस्प भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी और फिर मुकुल रॉय को आपस में हमेशा से कंपेयर किया गया, ममता ने भी भरे मंच से कहा कि शुभेंदु से बेहतर तो मुकुल हैं, और आज हम जो हलचल देख ही रहे हैं इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन देवेंद्र एक और चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि जनता सब देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है, जिन जिन नेताओं ने बार बार अपना फायदा देखते हुए दल बदला है उन्हें कभी ना कभी मुंह की खानी पड़ी है, क्या ये कदम मुकुल रॉय के लिए भला साबित हो पाएगा या उन पर भारी पड़ेगा? मुकुल रॉय की अगर बात करें तो जिस हालत में वो अभी हैं और आगे जिस प्रकार के भविष्य की वो उम्मीद कर रहे हैं उसके हिसाब से टीएमसी उन्हें उनके लिए वाकई बेहतर विकल्प था जिस रास्ते का उन्होंने चुनाव किया है। मैं ये इस लिहाज से कह रहा हूं, जैसे मुकुल रॉय की अपनी राजनीति, वो एक तो उनकी बड़ी इच्छा रहती है और हमेशा से वो पहले भी इस बात को कहते रहते थे, टीएमसी में इस बात पर सक्रिय भी रहते थे कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति करनी है ना कि प्रदेश की राजनीति, और वहां पर निश्चित तौर पे ये कोशिश होगी कि टीएमसी में जाने के ज्वाइनिंग के साथ दोबारा वो एक प्रकार से ममता बनर्जी से इस बात को लेकर आगे परसू करें कि किस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति में, टीएमसी की राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें एक भूमिका दी जाती है। हालांकि वहां पर एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि अगर राज्यसभा सीट की वो उम्मीद करें जैसा कि वो करते हैं, बीजेपी में भी वो ये उम्मीद कर रहे थे, तो डेरेक ओब्रायन जो कि बहुत ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में है टीएमसी में, राज्यसभा में उनके बारे में तमाम दूसरे सांसद टीएमसी के कहते हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल रहता है डेरेक के साथ काम करना, क्योंकि डेरेक बहुत डोमिनेंट है, डेरेक के ममता से बहुत अच्छे संबंध है और उसका फायदा उठाकर बाकी सांसदों पर वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। मुकुल रॉय के लिए ये एक मुसीबत रहेगी कि क्या डेरेक ये रास्ता ममता बनर्जी को देते हैं कि हाँ वो मुकुल को राष्ट्रीय राजनीति में लाए और राज्यसभा भेजें। दूसरी चीज की मुकुल की जो ज्यादा बड़ी चिंता होगी, मुकुल रॉय की जो ज्यादा बड़ी चिंता है शायद, कोई अपने बेटे को अब वो किस प्रकार से अकोमोडेट करें, क्योंकि बेटे के सामने एक लंबा फ्यूचर है और वहां पर वो जरूर ये चाहेंगे कि टीएमसी में पहले उनके बेटे के लिए कुछ किया जाए। और तब क्या, जैसे मुकुल रॉय की जब बातचीत चल रही थी टीएमसी के साथ तो उस समय मुकुल रॉय ने जब अपने बेटे को लेकर बातचीत की, टीएमसी के कई नेताओं ने ये कहा कि बेटा तो आएगा ही, आप भी आ जाइए। उस समय मुकुल रॉय की इच्छा ये थी कि बेटे को आगे कर दिया जाए पहले, बेटे का एकोमोडेशन हो फिर आगे अपना बाद में देखें, लेकिन ये टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि आप भी आए पहले। जो पॉलिटिकल इक्वेशन अभी का समझा जाए तो ये विकल्प बेहतर ही है मुकुल रॉय के लिए कि वो टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। बने रहेगा देवेंद्र। इस वक्त एक ट्वीट सामने आया, बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट, ये बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अभी अभी किया है। इसमें क्या लिखा है ये हम दर्शकों को दिखा दें। गौरव भाटिया लिखते हैं, नेहरू जी कह गए इंदिरा से कि ऐसा पोता आएगा सबको पार्टी से भगाएगा और अकेला ही रह जाएगा। देवेंद्र किस ओर इशारा कर रहे हैं फिर भाटिया जी? ये निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद के लिए इशारा कर रहे हैं वो, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं गौरव भाटिया, तो उसी को लेकर उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है कि किस प्रकार से राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता जितिन प्रसाद, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले नेता जितिन प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये उसी तरफ इशारा करते हुए गौरव भाटिया के हमलावर होने की कोशिश है। और हाल के दिनों में आप देखें तो गौरव भाटिया चाहे जब टीवी डिबेट में आते हैं, ट्वीट करते हैं, तो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसी का नमूना ये दिखा ये ट्वीट जी। ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, गौरव भाटिया ने ये बाकायदा ट्वीट किया है और इसमें जो निशाना साधा है राहुल गांधी पर कि कैसे एक एक कर जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी शायद कांग्रेस को आज याद दिलाना चाह रही है कि वो तमाम बड़े नेता जो कभी कांग्रेस के सीनियर हुआ करते थे वो आज बीजेपी के साथ हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति कुछ और ही कह रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय अब वापस बीजेपी से टीएमसी में जा रहे हैं, और क्या बीजेपी इसके लिए तैयार थी? पवन आप बता रहे थे कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन है ये भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से बार बार शुभेंदु अधिकारी को कंपेयर किया जा रहा था, उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई, इससे मुकुल रॉय नाराज भी बताए जा रहे थे, क्या भनक तो रही ही होगी पार्टी को, इसीलिए शायद वो इंपॉर्टेंस जानने के बावजूद मुकुल रॉय को नहीं मिल पाया?
जी बिल्कुल, दूसरी एक बात हमें समझनी होगी, एक बीजेपी जब टीएमसी के नेताओं को ला रही थी तो कहा गया कि ऑपरेशन लोटस है, तो ये फिलहाल रिवर्स ऑपरेशन लोटस है। ममता बनर्जी की चाहत ये है कि बीजेपी या कहें कि प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जब बीजेपी उभरी है तो आगे उनको कैसे उभरने से रोका जाए, तो ममता बनर्जी कोशिश ये कर रही है जो जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जिनकी पकड़ है उनसे संपर्क किया जाए। आपको नहीं भूलना चाहिए नंदीग्राम में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी टीएमसी के एक कार्यकर्ता से बात करते हुए कह रही थी जो कि ब्लॉक प्रमुख था कि आप पार्टी में आ जाइए, आपका लिए रास्ता खुला है। अब हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिन नेताओं की संगठन में जमीन पर पकड़ है वो कैसे वापस लाए जाए ताकि जो जड़े बीजेपी ने इस चुनाव में दिखाई है 77 सीट लेकर उसे कमजोर किया जा सके। उस रणनीति पे काम चल रहे जी, और यही देखना होगा टीएमसी का दांव पे जिस तरह से चल रहा है, अभी खेला बंगाल में पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लगातार अपडेट्स देते रहेंगे दर्शक। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।